आज मैं एक ऐसी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसके बिना कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल अधूरा होता है। तो आज मैं मालपुए की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट दूध लिए हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे गाय के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को हम उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। इसे हमें रिड्यूस करना है ऑलमोस्ट 60%, यानी कि 1 लीटर दूध जब 400 ml बच जाएगा तो हमारी रबड़ी बन जाएगी। इसे लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। अब 20 से 25 मिनट के बाद हम देखेंगे कि दूध उबल के गाढ़ी हो गई है, तो रबड़ी अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसमें मिठास चाहिए तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। वैसे रबड़ी में हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश लिए हैं। इनको हम मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। अब एक बड़े बोल में मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप से थोड़ा कम चीनी लिया है, 1 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने दरदरा पीस के रखा था। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कम चीनी का इस्तेमाल किया है, आपको ये बराबर मात्रा में लेना है। तो जितना हम मैदा लेंगे उतना ही हमें चीनी लेना है और उतना ही पानी हम ऐड करेंगे, तो तीनों हम बराबर मात्रा। अब हम इसे ढक के ओवरनाइट के लिए रखेंगे या फिर इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए ढक के छोड़ देना है। अब 4 से 5 घंटे के बाद यहाँ पे हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है एक ही डायरेक्शन में। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको इसका घोल थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब पैन में मैंने घी डाला है, आप घी के जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को मीडियम गर्म करके हम मालपुए को तलेंगे, तो पैन के बीचों बीच हम बैटर को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम तलेंगे। आप चाहें तो एक बार में ही 3-4 मालपुए का बैटर डाल सकते हैं। अब एक साइड से ये थोड़ा सिक जाएगा तो अब हम इसे पलट लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इसे तल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं तलना है, नहीं तो मालपुए कुरकुरे बन जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी मालपुए को तल के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मालपुए बनकर बिल्कुल तैयार हैं और हम गार्निश कर लेंगे इसे रबड़ी के साथ। तो आप इस तरह से मालपुए के ऊपर रबड़ी को डालें। आप इस तरह से रबड़ी के साथ मालपुए को खाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।